ओरिफ्लेम के कैटलॉग में दीदी मैंने ना अपना अभी मैं ओरिफ्लेम स्टार्ट किया ओरिफ्लेम अभी मेरे को 3 to 4 months हुए हैं एक्चुअली पहले मैं वर्किंग लाइन में थी तो हाँ जॉब करती हाँ जी वर्किंग थी मैं तो मेरा बेटा हुआ था तो मैंने उसकी टेक केयर के लिए जॉब लेफ्ट कर दिया अपनी अभी जनवरी में लेफ्ट किया है और मेरी सिस्टर और उनकी सिस्टर इन लॉ है मतलब सिस्टर तो वो ऑलरेडी ओरिफ्लेम में है उनके साथ आपने ज्वाइन हाँ जी हाँ जी तो उन्होंने मेरे को बोला कि घर बैठ के क्या करोगी ऐसा करो तुम ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लो तो मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है लेकिन बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और मैंने मतलब काफ़ी सारे इसके प्रोडक्ट्स मंगाए हैं और अपने सेल्फ ही उसके लिए भी यूज़ किया है मैंने तो मेरा अपना तो कवर है ही है मैं 50 मतलब बीपी मेरे इजीली कवर हो जाते हैं उसके लिए मैं अपना डेली वेयर का जो फेवरेट प्रोडक्ट कौन से आपको कौन से फेवरेट प्रोडक्ट मेरा जो है वो मेरा वेलनेस शेक रहा है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर मैंने वही मंगाया था अपना हेल्दी रहना चाहते हैं बिल्कुल हाँ जी तो मेरा इजली मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं सोच रही थी कि आगे कैसे बढ़ूंगी कभी लोगों को प्रॉब्लम नहीं आता हाँ, कैसे होगा पर मैंने सोचा जब करना है तो ये बहुत इजी है इसको इजली किया जा सकता है हम अपने लिए जब हम मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो 1500-2000 के तो प्रोडक्ट हम अपने लिए तेल शैम्पू साबुन ये तो सब अपने लिए ले लेते हैं तो मैंने सोचा वो ना लेके इसमें पैसा क्यों नहीं इन्वेस्ट करूँ जो मेरे को आगे भी बढ़ाएगा दूसरा इसमें डिस्काउंट भी हाँ इसमें हाँ और प्रोडक्ट्स में 20% डिस्काउंट है और सबसे मेन चीज़ है आपका जो फर्स्ट मंथ का ऑर्डर कम्प्लीट होता है या सेकेंड मंथ का कम्प्लीट होता है उस पर आपको वेलकम गिफ्ट भी मिलता है प्लस में आपको एक बिजनेस क्लास भी मिलती है तो उसमें आपको मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें एक ही प्रोडक्ट पे आपको 60% डिस्काउंट मिलता है 40+20 का तो हाँ मैंने अपना तो ज्वाइन किया प्लस में मेरी एक डाउनलाइन है वंदना मैंने हाँ इनके साथ इनको भी ज्वाइन कराया एक्चुअली जब मैंने जॉब लेफ्ट की थी तो मेरी जो फ्रेंड्स थी वो यही कहती थी कि शिल्पी तो हमेशा आगे रहती है तो आगे बढ़ तो हम तेरे साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ऑर्डर करना कोई मुश्किल बात नहीं है मतलब लोग कह रहे हैं कि जैसे अब मैं बात करती हूँ कॉलिंग वगैरह करती हूँ उनको समझाती हूँ कि कैसे करना है तो वो मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम पहले हमें बाय करना पड़ेगा फिर सेल करना पड़ेगा मैंने कहा सेल करो ही मत ना पहले अपने सेल्फ यूज़ करो तो मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि क्योंकि जो चीजें हम बाहर से लेते हैं हाँ तो उन पे डिस्काउंट बिल्कुल हम फेस वॉश भी अपने लिए यूज करते हैं शैम्पू भी अपने लिए यूज करते हैं राइट शैम्पू भी यूज करते हैं कंडीशनर भी अपने लिए यूज करते हैं तो बाहर का ना लेके ये जो ब्रांडेड है वो अलग है मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले आपकी हेल्थ जरूरी है सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है आप ज़्यादा ना लेके मिनिमम 2000 या 3000 के प्रोडक्ट लो ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो जिसमें आपका ऑयल है शैम्पू है और आपका फेस वॉश है जो आपके डेली नीड्स है पहले आप किसी को बताने से पहले आप अपने ऊपर यूज़ करके दिखाओ जब आपके फेस पे ब्यूटी आएगी आप अच्छे दिखोगे तो लोग नेचुरल सी बात है कि सब पूछेंगे आपसे कि क्या है क्या नहीं तो मैं पहले क्या करती हूँ मैंने जो अपने लिए ले रखा है तो मैं उनको ये सजेस्ट कर देती हूँ जो भी मेरे नियर बाय हैं आप पहले मेरा यूज करके देखो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप नेक्स्ट अपना ऑर्डर मंगाओ अदरवाइज ऐसे कोई मतलब जबरदस्ती वाली बात नहीं है लेकिन वो एग्री हो जाते हैं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जब मुझे ही अच्छा लग रहा है तो उनको भी पसंद आता है तो अभी क्या है फर्स्ट सेकेंड मंथ में तो मैंने अपना 100 BP किया है ऑर्डर अब मेरा जो है वो मतलब 30 BP या 40 BP मेरा रहता है बाकी 60 BP मेरे को लोगों से मिल जाता है मतलब फर्स्ट टाइम ही आपको अपना सेल्फ यूज करना पड़ा था सेल्फ यूज करा है मैंने हाँ जी बाहर से मेरे को हाँ 40-50-60 BP तक मेरे को बाहर से इजिली मिल जाता है क्योंकि सर्कल है और हम जब बताते हैं कि हम ये यूज कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो भी कहते हैं ट्रस्ट बनता है हाँ जी, हाँ जी, आपके पास प्रोडक्ट जो आप हाँ जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे तो आप कन्विंस नहीं कर पाओगे हाँ, जो आप लोकल काजल वगैरह कुछ भी लेते हो सब कहते हैं कि उसमें केमिकल होते हैं आईज में इचिंग होने लगती है पानी आने लगता है लेकिन ओरिफ्लेम इज ब्रांडेड कंपनी बेस्ट कंपनी तो हाँ क्वालिटी इज टू गुड बहुत अच्छा बहुत अच्छी हाँ जी अभी मेरी फ्रेंड वंदना है इनको मैंने अभी 1-2 months को ज्वाइन कराया है अब
आपको कैसा लग रहा है वरना मुझे बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके बिकॉज मैंने ये नहीं देखा कि भाई ये इतना ग्रो कर रही है ऊपर से ये चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ कर रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैंने भी ज्वाइन किया मुझे भी लगा कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मेरी छोटी बेबी है और मैं जॉब नहीं कर सकती तो ये वर्क फ्रॉम होम मतलब हम बहुत अच्छा ऑप्शन रहा क्योंकि आप अपनी बेटी की भी आप टेक केयर कर लेते हो और अपना बिजनेस भी आप कर लेते हो राइट हाँ हाँ वो भी है और मेरी 12 मेंबर्स की फैमिली है वाओ वाओ उसके साथ साथ मुझे सारा देखना होता है अपने एक महीने में 12 मेंबर्स को ज्वाइन करना दैट्स ग्रेट मेरी फैमिली है हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं 12 मेंबर्स हैं उसमें छोटे बच्चे भी हैं हाँ तो फिर भी आप मैनेज करते हो हाँ जी हाँ जी ये सीसी क्रीम जो है आपको WP1 में मिली है हाँ जी ये उसमें मुझे मिली है और WP1 क्या है ये ना फर्स्ट मंथ अगर हम जब स्टार्टिंग ज्वाइन करते हैं तो ये VIP कस्टमर होते हैं हम तो उसमें हमें ये गिफ्ट मिलते हैं वेलकम तो फर्स्ट वेलकम हाँ फर्स्ट कुकिंग प्रोग्राम है मुझे ये 150 का मिला है जिसकी प्राइस 1000 rupees है और जो है 150 में मिल गया इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इंस्टेंट ग्लो आता है फेस पे और आपको इसके ऊपर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं और पार्टी में भी जाओ तो नॉर्मली सिंगल कॉफ़ी चल जा सकती हो कॉफ़ी और मैंने फर्स्ट मंथ पे ही हाइड्रा का सेटिंग यूज़ किया था और मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी वो उन्होंने भी मुझसे वो परचेज किया है उनको लगा कि भाई जब मेरे फेस पे इफेक्ट इतना अच्छा आया है तो देख के हाँ उन्होंने मुझसे उनको लिया तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें ठीक है उसे कंटिन्यू रखें रचना आई एम रचना मैंने भी इसी लास्ट मंथ ज्वाइन किया है और मेरे को भी और इसलिए ज्वाइन करना था क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना था मैं घर पे सारा दिन ऐसे ही टाइम स्पेंड करती हूँ तो मैंने कहा अपना क्वालिटी टाइम इस चीज़ में स्पेंड करूँ ताकि मैं कुछ अर्न भी कर सकूँ अपनी फैमिली को भी मैं देख सकूँ तो मैंने अभी सेकंड मंथ मेरे को ये गिफ्ट मिला है जो 1700 की है और वो मुझे वो 150 में मिला है वेरी नाइस तो रचना आपको कैसा लगा इतना महंगा गिफ्ट सिर्फ 150 रुपीस में लेके शायद ही आपने अपने हस्बैंड के लिए लिया है बिल्कुल मैंने ये अपने हस्बैंड के लिए लिया उनको बहुत पसंद आया है इतना चीप है ये मुझे 1700 का मुझे 150 में मिल रहा है तो उसमें बेनिफिट भी बहुत हुआ मुझे ये बहुत अच्छा है इससे और ओरिफ्लेम ज्वाइन करने का मोटिव ये है कि आपको मंथ टू मंथ गिफ्ट्स भी मिलते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हमें डिस्काउंट पे भी मिलते हैं एवरी मंथ आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो हैवी डिस्काउंट पे मिलते हैं तो इसमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट है तो आपने अपना फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस किया था रचना आपको मैंने अपना नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट ऑर्डर आप बहुत इजीली प्लेस कर सकते हैं क्योंकि आप अपने डेली यूज़ के प्रोडक्ट परचेज कीजिए जैसे कि शैम्पू है या कंडीशनर है या सोप्स इसकी सोप्स बहुत अच्छी हैं डिओड्रेंट्स हैं आप ये यूज़ कीजिए तो वो अपना फर्स्ट ऑर्डर आपका बहुत ईजिली प्लेस हो जाता है ईजिली प्लेस हो जाता है फिर उसके बाद काफ़ी लोग डरते हैं कि कैसे कैसे होगा कैसे सब डरते हैं मैं भी बहुत डर रही थी कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर हम प्लेस करेंगे लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है आप अपना सबसे पहले सेल्फ यूज़ के लिए परचेज कीजिए तो फिर उससे आपका ऑर्डर बन जाता है और आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है क्वालिटी का पता चलता है और ये वैसे भी हर्बल है मतलब इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके तो ये बहुत अच्छा है तो भाविका आपने शहर रचना के साथ ज्वाइन किया है तो आपको कैसा लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा है क्यों क्योंकि जो मैं मेरा मोटिव क्या था कि मुझे कंपनीज में जॉब करनी है राइट लेकिन मैंने अपनी भाभी और अपनी दीदी को देखा कि वो बहुत एक अच्छे लेवल पर हैं और बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और प्लस अपनी फैमिली को भी टेक केयर कर रहे हैं साइड बाई साइड सो मैंने यही सोचा कि मैं अभी तो सिंगल हूँ बट अभी तो मैं अपना करियर बना सकती हूँ तो इसीलिए मैंने इनके साथ ज्वाइन करा और मैं अभी मेरे को मुझे WP3 मिला है ये बैग तो बहुत अच्छा लगा कैसा लगा वेलकम कैसा लगा आपको ये मुझे बहुत अच्छा लगा और अभी मेरा मोटिव क्या है कि मुझे सीनियर मैनेजर की शिप पर जाना है और आई विल डू दैट यस वेरी सही होना चाहिए फिर अब जरूर पहुंचोगे तो संगीता आपके लिए तो वेरी बिग अचीवमेंट बताइए कैसे आपने किया इतनी जल्दी एक्चुअली में आपने सीनियर मैनेजरशिप की आई वाज वर्किंग इन ऑफिस आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड DPS स्कूल आई वाज वर्किंग देयर तो जो मेरी सिस्टर वो है शी वाज अ बोर्ड डायरेक्टर नाउ शी इज सफायर तो वो आते थे घर पे जैसे बताते थे ऑरिफ्लेम के बारे में तो बहुत अच्छा लगता था सुनने में लेकिन था साथ में हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ कैसे मैनेज होगा लेकिन फिर भी मैंने ऑन एंड ऑफ करना स्टार्ट किया बीच बीच में करती थी अपने फ्रेंड्स को फैमिली को ऐसे बताती थी क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं क्योंकि अच्छे ही थे
सारे मेरे एमएनसी में जुड़े और डीपीएस में भी अच्छा क्राउड था, तो सबको बताया मैंने इसके बारे में, तो सब मेरे से लेते थे, ऑन एंड ऑफ चलता रहा। लेकिन जब मैं एक लेवल पे कुछ अर्निंग आना स्टार्ट हो गई, मैंने लेफ्ट माई जॉब, तो मैं इसमें फुली आ गई, 100% आई एम डूइंग। तो मैंने वन मंथ रात दिन एक कर दिया, जल्दी आपको मिलने वाला 50,000 का कैश अवार्ड कुछ टाइम के बाद, बिकॉज ऑफ माई अपलाइंस एंड डाउनलिंग बोर्ड। तो इन सब का ये पूरी टीम है।